तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, देर आर टू टाइप ऑफ मोशंस। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जैसे कि कोई कार है और वो क्या है, वो मूव करती है 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी। और ये टाइम इंटरवल्स कितना स्मॉल हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है। और इसका जो टाइम और डिस्टेंस ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशंस का। ये दिख रहा होगा स्क्रीन में कि उसका जो टाइम और डिस्टेंस ग्राफ होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर। यूनिफॉर्म मोशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे जनरल लाइफ में, जैसे कि द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और कंप्लीटिंग मोमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक डिस्टेंस विद एन आवर। हावर हैंड देखा होगा, क्लॉक में घूमती रहती है और एक कंप्लीट उसका क्या है, फिक्स एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ऐसे ही अर्थ का रोटेशन करना और रिवॉल्यूशन है ना, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, देखा होगा हमेशा नाइट और डे एक फिक्स टाइम में होता है। एरोप्लेन क्रूजिंग एट लेवल हाइट एंड अ स्टेडी स्पीड, जब वो एरोप्लेन क्रस करता है तो वो एक उसकी क्या होती है, स्टेडी स्पीड होती है, और आराम से स्लोली क्या करते हैं, क्रस कर देते हैं। ऐसे ही मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन, आपको देखा होगा सीलिंग फैंस के ब्लेड, हर एक ब्लेड्स एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, और इस मोशन को कैसे बोलते हैं, रोटेशन मोशन कहते हैं। आगे बड़ी क्लास में आप इस रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ोगे कि कैसे कोई रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है, जैसे लट्टू देखा होगा, लट्टू में भी, एंड अ कार गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड एट ए स्टेडी स्पीड, जैसे कार का एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं पहले कि 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। नेक्स्ट है अ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इन अ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन में जो वाइब्रेट स्प्रिंग होती है वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल कवर करती है। अ सिप स्टीमिंग ऑन अ स्ट्रेट कोर्स एट ए स्टेडी स्पीड, सिप का हो गया। अ ट्रेन गोइंग अलोंग द ट्रैक्स एट ए स्टेडी स्पीड, अर्थ मूविंग अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अ कूलिंग फैन रनिंग अ कॉन्स्टेंट स्पीड, मूवमेंट ऑफ फैन। अ पेंडुलम, पेंडुलम एक तो घड़ी के नीचे भी पेंडुलम होता है और एक आप वैसे भी बना सकते हो पेंडुलम, तो वो भी क्या है, एक इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन बोथ साइड, 1 सेकेंड में जितना एम्पलीट्यूड इधर जाएगा उधर उतना ही एम्पलीट्यूड उधर आएगा। सो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे किसके, यूनिफॉर्म मोशन के। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक टाइम को अगर हम फिक्स भी कर दें पर लेकिन उसके डिस्टेंस कवर करने की कंडीशंस क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे किसी बॉल को फॉल करा जाता है किसी बिल्डिंग से, तो पहले वो कम डिस्टेंस कवर करती है, फिर कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और फिर इस तरह से वो इंक्रीज़ होता जाता है उसका डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंसेस हो जाते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व शेप का, यूँ देख रहे हो ना, पहले कम थे डिस्टेंस, फिर ज़्यादा 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 इंक्रीज़ हो गया, ए पॉइंट तक ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया।
सो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। वैसे एक्सेलरेशन होता क्या है, द वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे हम जिक्र करेंगे इसका एक्सेलरेशन। अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट है, पहले कम 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 फिर ज़्यादा, जैसे कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर होते हैं हमारे बाइसाइकिल्स में। पहला गियर क्या करता है, कम स्पीड देता है, फिर धीरे धीरे धीरे, उसमें भी एक एक्सेलरेटर लगा रहता है कार में, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड लाइन ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जांपल्स हो जाएंगे अ हॉर्स रनिंग, देखा होगा हॉर्स की रनिंग, अ मैन रनिंग इन अ 100 मीटर रेस, पहले स्लो स्लो मूवमेंट करता है और फिर तेज़ी से भागने लग जाता है। अ बाउंसी बॉल, एक बॉल को अगर वाटर में डिप करोगे तो वो पहले एकदम से ऊपर आएगा, फिर एकदम से ऊपर आ जाएगी वाटर सरफेस में। अ कार कोलाइडिंग विद एनी अनदर कार, एक दूसरी कार से टक्कर हो जाए आपस में, तो पहले जब वो टकराने से पहले तो उनकी स्पीड स्लो रहती है, फिर एकदम से डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग, मतलब एक एक सेकंड में वो क्या पीछे पीछे खिसकती सकती थी, कहीं गिर जाती। अ प्लेन मूविंग थ्रू द क्लाउड्स एंड देन लैंडिंग, ठीक है, लैंड करते समय। ड्रैगिंग बॉक्स फ्रॉम अ पाथ, एक पाथ में बॉक्स को ड्रैग करना। अ बस ऑन इट्स वे थ्रू द मार्केट, अ कार कमिंग टू अ हॉल्ट, अ ट्रेन कमिंग टू इट्स टर्मिनेटिंग स्टॉप, देखा होगा छक 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 छक, और धीरे से फिर स्टॉप हो जाती है। मोमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स जो क्या होते हैं, आउट ऑफ स्पेस होते हैं, तो वो भी जब अर्थ के नियर बाय आते हैं तो उनकी स्पीड तेज, मतलब एकदम क्विकली हाई हो जाती है। सो ये सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, मोमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड। तो ये सारे क्या हैं, नॉन यूनिफॉर्म नेचर हैं हमारे साथ, हमारे आसपास। तो लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं दोनों का। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ग्राफ कैसा होगा, कर्व लाइन ग्राफ। क्लियर? ओके।